नमस्कार, मैं कविता उनियाल, आप देख रहे हैं मीडिया टुडे टीवी। तुर्की में राष्ट्रपति चुनाव के लिए दोबारा वोटिंग होने में बस अब कुछ ही घंटे का समय बचा है। ऐसे में राष्ट्रपति पद के दोनों उम्मीदवार एर्दोगान और कमाल किलिकदरोग्लू तुर्की के वोटर्स को अपने पक्ष में लाने में लगे हुए हैं। प्रथम दौर के चुनाव में विदेशी नेताओं के समर्थन के बाद अब यूरोप के मुसलमान भी एर्दोगान के सपोर्ट में उतर आए हैं, जिससे विपक्ष को करारा झटका लगा है। यूरोपीय मुस्लिम फोरम ने इस्तांबुल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तैयब एर्दोगान के समर्थन की घोषणा कर डाली। यूरोपीय मुस्लिम फोरम ने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस इस्तांबुल में ऐसी जगह पर की जहां आया सोफिया मस्जिद का खूबसूरत नजारा दिख रहा था। दरअसल फोरम का मकसद आया सोफिया मस्जिद के सामने तुर्की के मुसलमानों को एक खास संदेश देना था। फोरम के अध्यक्ष अब्दुल वाहिद ने कहा है कि तुर्की की आया सोफिया मस्जिद यूरोप में मुसलमानों के वजूद की एक निशानी है। उन्होंने कहा है कि तैयब एर्दोगान ना सिर्फ तुर्की के राष्ट्रपति बल्कि उम्मत के नेता भी हैं। फोरम के अधिकारियों ने तुर्की के मतदाताओं से तैयब एर्दोगान के लिए वोट करने की अपील भी की। अब्दुल वाहिद ने कहा है कि यूरोप में तकरीबन 170 मिलियन मुसलमान रहते हैं, इसलिए तुर्की का शासक कौन बनता है ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपको बता दें, यूरोप में इस्लामोफोबिया मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। तैयब एर्दोगान ही एक ऐसे नेता हैं जो यूरोप में मुसलमानों की समस्याओं के खिलाफ निडर होकर आवाज उठाते हैं। अब्दुल वाहिद ने कहा है कि यूरोपीय मुस्लिम फोरम तुर्की के मतदाताओं को तैयब एर्दोगान को वोट करने की सलाह देता है। इस तरह आप उम्मत और हमारे नेता दोनों का समर्थन कर सकते हैं। तुर्की में दूसरे दौर की वोटिंग से पहले विपक्ष जनता के सामने तैयब एर्दोगान की नेगेटिव छवि पेश कर रहे हैं, तो वहीं तैयब एर्दोगान अपने जादू से तुर्की की जनता को लुभाने में लगे हुए हैं। अपने जीवन में लगभग दर्जन भर चुनाव लड़ चुके तैयब एर्दोगान को लोगों को समझा बुझाकर अपने पाले में लाने का हुनर बखूबी आता है। तैयब एर्दोगान इस्तांबुल में टैक्सी ड्राइवरों के एक आयोजन में पहुंचे तो ऐसा लग रहा था कि एर्दोगान की हुकूमत से लोगों का अभी मन नहीं भरा है। वहां मौजूद भीड़ को एर्दोगान ने कुछ इस तरह काबू कर रखा था मानो उन्होंने कोई जादू चलाया हो। लोग उनके एक इशारे पर जोर से नारे लगा रहे थे, तालियां बजा रहे थे और विपक्ष को भी कोस रहे थे। जनसभा में उत्साह उस समय अपने चरम पर पहुंच गया जब जाते जाते राष्ट्रपति एर्दोगान ने आखिरी जुमला कहा, एक देश एक झंडा, एक मातृभूमि और एक राष्ट्र। जनसभा में कुछ उम्रदराज टैक्सी ड्राइवर खड़े होकर हवा में हाथ लहरा रहे थे तो कुछ एर्दोगान को सलामी दे रहे थे। अगर आपको न्यूज अच्छी लगे तो न्यूज को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे मीडिया टुडे टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी न्यूज सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपकी इस न्यूज पर क्या राय है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब मैं आपको अगली खबर के साथ मिलूंगी। शुक्रिया।